क्या हुआ भाई? फिंचेस बाहर निकल गई। फिंचेस बाहर है, खोलो जरा गेट, मुझे तो आने दो यार। कहाँ पे यार? मैं खुराक रख रहा था, बीच में निकल गई। ये देखिए जावा ये बैठी हुई है और एक जावा इधर फिर रही है और वो देखिए भाई उधर भी आ गई। भाई आ गई, वो काट रही है यार ये। पकड़ो पकड़ो इसको। अब गेट खोलो जरा, अब देखते हैं भाई। हाँ गेट खोल दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई आज ना हम सुबह सुबह अपने सारे पिजन के घर चेक करेंगे और देखेंगे भाई किस पिजन ने जो अंडे दिए हुए और किस पिजन ने भाई साहब बच्चे निकाले हुए। तो सबसे पहले हम इस हाउस से शुरू करते हैं। और यार ये देखें, ये पिजन बैठा हुआ है। ये देखिए भाई, एक साइड पे हो जाओ, कुछ कहना नहीं है मुझे। पिजन मैं इसके नीचे देख लेता हूँ कि भाई ये देखें यार, फिरोजपुरी कबूतर ने दोस्तों माशाल्लाह से दो अंडे दिए हुए और माशाल्लाह से इसने एक बच्चा भी निकाला था। और मुझे लगता है भाई उसका बच्चा जो है बड़ा हो गया और वो कहीं बाहर उड़ रहा होगा। तो ये देखें इन्होंने दोबारा से जो माशाल्लाह से अंडे दे दिए हैं वो देखें। और अभी इस हाउस में देख लेते हैं कि इस हाउस में क्या चीज़ है। रेडबुल बैठा हुआ है, लेकिन भाई इधर भी बैठा हुआ है यार। ये देखिए अबे रेडबुल, ये देखिए भाई इसमें से बच्चा निकल के आ रहा है। रेडबुल जरा एक साइड पर हो जाओ, मैं देख लेता हूँ। नहीं यार ये अंडा वेस्टेड है। ओए होए होए होए, एक अंडा वो तो रखा हो यार, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या पता भाई ये अंडा ठीक हो। हाँ यार ये अंडा ठीक है दोस्तों, लेकिन यार ये अंडा जब टूटा हुआ है, ये देखें आप, ये इस साइड से बिल्कुल ख़राब हो पड़ा है। ओए होए होए होए, नहीं यार इसमें लिक्विड बना हुआ है भाई, और इसको मैं फेंक दूंगा। इसको मैं इधर रख देता हूँ, लेकिन नहीं भाई क्योंकि हमारी पैरेट इधर आई हुई है और ये अंडा खा जाएगी, मुझे पता है इसका। तो फिर मैं फिलहाल इसको इधर रख देता हूँ और ये वाला हाउस भी देख लेता हूँ। उधर देखो भाई, रैबिट के काम चेक करो भाई, किस तरह सोया हुआ है रैबिट। एक साइड पे हो जाना, कुछ दिया भाई माशाल्लाह से यार, इसने भी नया अंडा दे दिया यार। फर्स्ट टाइम दोस्तों इस पिजन ने भाई अंडा दिया है यार, पहले इसने कभी भी नहीं दिया। तो माशाल्लाह ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि भाई ये ना नया पिजन है और इसने जो है वो यहाँ पे अंडे दिए हुए हैं। ये देखें ये भी नया, मतलब सेम वही नस्ल है जो अंदर बैठा हुआ है और ये नस्ल सेम ही है। तो अभी यार मैं बिग हाउस में आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि भाई डायमंड डव यहाँ पे जगह बना रही है क्या अपने। ये देखें यार, नहीं यार अभी तो यार ऐसे बैठी हुई है, मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पे बैठ रही है तो ये अपनी जगह जो सेट कर रही होगी, लेकिन भाई नहीं। वो देखें भाई सारी डवें हमारी अब नीचे फिर रही हैं। काफी दिनों से जो भाई अनफर्टाइल एग्स देती थी हमारी डव, अब भाई वो भी नहीं दे रही। एक डव ने तो अलग सी जगह बनाई है। ये तो मोर मुझे यार बहुत बार बार डरा रहा है। मोर प्लीज कुछ ना कहना मुझे। इसके नीचे ना तीन अंडे आए हुए यार, ये देखे भाई क्या बात है भाई। इसने मुझे लगता है भाई अपनी जगह जो वो चेंज कर लिए। ये देखें पहले वो उस जगह पे बैठती थी और अब वो उस जगह पे बैठ चुकी है भाई। बस दुआ करेंगे यार इस बार ये बच्चे निकाल लेना, मजा ये आ जाएगा। क्या हुआ भाई? भाई फिंचेस बाहर निकल गई। फिंचेस बाहर है, खोलो जरा गेट, मुझे तो आने दो यार। कहाँ पे यार? मैं खुराक रख रहा था, बीच में निकल गई। कैसे यार? ध्यान रखना था ना भाई, बाहर तो नहीं निकली। पता नहीं यार। ये देखिए जावा ये बैठी हुई है और एक जावा इधर फिर रही है और वो देखिए भाई उधर भी फिंचेस बैठी हुई है। ये देखो भाई हर तरफ फिंचेस ही फिंचेस। नीचे ख्याल से भाई नीचे देख के। हाँ यार ये दो लू जावा तो माशाल्लाह से पकड़ी गई यार। मुझे ना जावा का बहुत डर था कि कहीं जावा हमारे निकल जाए। बाकी कहाँ पे है यार? दीवार पे क्या है? कुछ नहीं है यार, उधर पंख है। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद किसी चीज का ना पंख ठहरा हुआ है, लेकिन यार पंख भी तो ठहरा हुआ है ना। ये आप देखें एक ये बैठी है ब्लैक। पिजन डर गया यार। पकड़ लेता हूँ मैं इसको। हाँ एक मैंने पकड़ लिया। हाँ एक पकड़ लिया मैंने। आ जाओ ये इधर। बस और एक इस साइड पे बैठी है, इसको पकड़ लेता हूँ मैं जल्दी से। 1 2 3 गो। ये आ गई। एक और भी पकड़ ली मैंने। हाँ ये मेरे साथ होना जरा। हाँ पकड़ो इसको। हाँ ये भी आ गई भाई। अभी भी बहुत सारी रहती हैं यार, मुझे लगता है भाई कि छुप रही है कहीं पे यार वो। तो देखिए आप वो सामने 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 ये बैठी है ऊपर, एक ऊपर बैठी है, एक ये बैठी है, एक ये है। हाँ एक वो है। ध्यान से पकड़ना भाई, इस लकड़ी पे बजी भी बैठी हुई है, वो डर जाएंगी। हाँ पकड़ो पकड़ो इसको, मैं इधर पकड़ता हूँ इसको। ओ यार निकल गई वो। ओ यार वो निकल गई यार। एक मिनट जावा ये भी बैठी हुई है। कहाँ पे? पकड़ो जावा कहाँ पे? ये बैठी है, पकड़ इसको। ये हाँ जावा ये बैठी है भाई, ठीक है। यहाँ इसको मैं पकड़ लिया है और इसको मैं अंदर ही छोड़ देता हूँ। ये इधर चले जाओ आप, पकड़ लो। ओए तेरी खैर यार, तू नजदीक ना आना। वो चलेंगे यार, तीन फिर है भाई, दो इधर है, एक जो वो इस साइड पे बैठी है। एक ये है, एक मिनट। कहाँ पे?
केज के बिल्कुल नीचे ब्लैक वाली। हाँ यार ये मुझसे निकल गई, अभी निकल गई, इसको मैं पकड़ रहा था, पकड़ो जरा इसको। ओए तेरी खैर, आ गई भाई आ गई। वो काट रही है यार ये, पकड़ो पकड़ो इसको। ओए तेरी खैर यार, ये भी जावा की तरह काटती है यार ये तो। बाकी जो छोटी फिंचेस फिर है ना यार, ये नहीं काटती, लेकिन वो ब्लैक वाली ने काटा है मुझे। एक मिनट पकड़ो इसको, एक मिनट। ओए हाँ ये भी आ गई नीचे भाई। हाँ ये नहीं उड़ सकती। हाँ पकड़ लिया इसको मैंने, जाने दो। हाँ और कितनी है यार बाकी? नीचे नीचे भी ख्याल करना भाई, ऐसा ना हो यार हम भाग रहे हो और कोई जो है फिंच, कोई फिंच जो है नीचे आ जाए हमारे। थका दिया यार इन्होंने, बहुत ज्यादा थका दिया यार, बहुत ज्यादा तेज है। तंग ना कर, अब आखिरी बच गई है तू, क्यों जलील कर रही है? आखिरी है तो भाई, ये तो तंग करेगी ना, अब अकेली बच गई है। आ गई भाई, आ गई भाई, पकड़ ली मैंने। आ जा यार काट लिया ये, पकड़ो इसको। वो 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 वो। ये सारी काटती हैं यार, ये सारी तो काटती हैं। बज्जी जो ये हूं, फिंचेस हूं, सारी की सारी काटती हैं। ओके हो गया। हां फीड तो रखनी है वैसे की वैसी। कहां पे फीड नहीं रखी अभी तक? हां वो मैं उसको निकाल के जो है ना साफ कर रहा था, और मैंने सोचा कि फीड रख देता हूं। वो जैसे ही मैंने उसको निकाला, वो गेट बंद करना मैं भूल गया। मैं फीड की तरफ गया तो पीछे देखा सारी की सारी। ओए ओए यार अब बाहर तो नहीं निकली, ये देखा है आपने, ये चीज देखी है आपने? बाहर अंदाजा नहीं है। हाँ लेकिन यार अच्छी तरह से देख लो, हर कॉर्नर जो वो देखना है, कहीं ऐसा ना भाई कोई कोई फिंच जो वो नीचे पड़ी हुई हो। हर तरफ से देख लें, तसल्ली कर लें हर जगह से। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। अब गेट खोलो जरा, अब देखते हैं भाई। हाँ गेट खोलो। हाँ नहीं बस ओके है भाई। ओके यार शुक्र है यार, कोई भी फिंच हमारी बाहर नहीं है, सारी मतलब हमने पकड़ लिए और इस केज में वापस डाल दिया इनको। घंटे बच्चों का सीजन था, मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा अगर हमारी ये फिंचेस चली गई ना फिर मसला बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी इनका सीजन है, ये उन्होंने अंडे देने हैं, बच्चे देने हैं। ये देखो मटेरियल। हाँ नेस्ट मटेरियल तो डाला है भाई, सारी फिंचेस ने अपने अपने हिस्से का मटेरियल ले लिए और अपनी पोटली में डाल दिया। ये देखें ये भी फूल हो गई है, ये भी फूल हो गई, इस तरह सारी जगह फूल हो गई है बिल्कुल। लेकिन बड़ा खौफ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। हाँ नुकसान नहीं हुआ। तो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी फिंचेस जो पकड़ ली है। तो भाई अब भी देखें कॉकटेल यहाँ पे नहीं बैठे हुए, मतलब कॉकटेल इस बॉक्स में है भाई। मुझे ना चुलबुली सी मची हुई है कि भाई इसको देखूं कहीं इसने अंडा दिया है कि नहीं दिया। यार मुझे लगता है कि इन्होंने अंडा दिया हुआ होगा, नया अंडा, वो भी नया अंडा भाई। तो भी देख लेता हूँ मैं जरा, क्योंकि यार ये तंग तो होते हैं, लेकिन भाई क्या करूँ मैं। वो देखिए ये बैठे हुए हैं, वो देखिए यार नीचे तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए भाई अभी तक यार इन्होंने कोई भी अंडा नहीं दिया यार। एक साइड पर हो जाओ यार, ये पूंछ इसका अंदर ना जाए ऐसा। अंदर ये अगर ये फंस गया ना इसका पूंछ, भाई बेचारी मर जाएगी फिर। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक तरीके से मैंने इसका गेट जो है बंद कर दिया है। तो माशाल्लाह भाई जब से हमने डेनिश कबूतर अपने बाहर निकाले ना भाई, तो ये बाहर के माहौल के आदि हो चुके हैं। क्योंकि भाई जब हम लेके आए थे ना भाई, तब ये बाहर के आदि नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बाहर के आदि हो चुके हैं। ये देखे भाई सारा दिन ये बाहर रहते हैं, कभी ये बर्ड्स के ऊपर बैठ जाते हैं और कभी जो बर्ड्स के नीचे आ जाते हैं। मतलब ये हमारे बर्ड्स के प्रॉपर जो आदि हो चुके हैं, जब दिल करता है भाई उड़ के उधर चले जाते हैं उस साइड पे, मतलब पूरे विलेज का चक्कर लगा के आते हैं, फिर हमारे पास वापस आ जाते हैं भाई। मतलब अब हमारे ये वफादार बन चुके हैं डेनिश कबूतर। जब से यार बर्ड्स से हमने अंडे उठाए हैं भाई, मुर्गियों ने जो है वो जगह तब्दील करी है। अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि अब वो अंडे कहाँ पे दे रहे हैं। ये देखें भाई ये अंडे दे रहे हैं इधर। ये देखें भाई दो अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं, और कल ना इधर भी दिया था एक ने, और एक ने इधर ही दिया था। ये देखें भाई अब अच्छी जगह पे दे रहे, क्योंकि यार यहाँ पे फीड भी रखी रहती है, और इधर फीड के ऊपर ही आके अंडे दे देते हैं। यार फीड के ऊपर ही आके अंडे दे देते हैं। ये तो भाई जबरदस्त जगह बनाई है इन्होंने। ये देखें आप ये रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल अपना जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।